तो दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन ज्यादा पंचुअल है? बिल्कुल वेलकम और आम परोड़ी नहीं, हम इन बड़ों हो गया। हाँ जी, कौन सी क्लास में? Hey guys, this is Gaurav and you're watching Haryana Beats. और आज हम पहुंचे हैं एक सॉन्ग लॉन्च पे एंड कामनी द सॉन्ग नेम इज, एंड मेरे साथ हैं सिंगर मीनाक्षी पंचाल जी, थैंक यू सो मच मैम। विल हैव पारस एंड आर के क्रू, छोटा सा लड़का है लेकिन इन्होंने म्यूजिक दिया है। एंड विल हैव नन अदर देन द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट लिरिसिस्ट इन आर इंडस्ट्री, हरियाणा इंडस्ट्री स्पेशली, अमीन ब्रॉडी, थैंक यू सर। बट लास्ट नॉट द लीस्ट मिस्टर दीपेश गोयल, जिन्होंने इस गाने को डायरेक्ट किया है। एंड सबसे पहले दीपेश जी के साथ ही स्टार्ट करते हैं। तो दीपेश, हाउ डू यू फील, कैसा लगा ये गाना करके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो सपना जी के साथ आप शायद दूसरा या तीसरा गाना कर रहे हैं, इससे पहले आपने उनके पति के साथ, पति देव यानी कि वीर साहू जी के साथ काम किया था। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन ज़्यादा पंचुअल है? वीर भाई। अच्छा, वीर भाई ज़्यादा पंचुअल है। मीन्स बाद में देखेंगे वो। अच्छा, बाद में देखेंगे, इसलिए आप उनका नाम ले रहे हो? नहीं, दोनों ही पंक्चुअल है काम के मामले में। एंड काम के मामले में आपको क्या लगता है, मीन्स कौन ज़्यादा प्रोफेशनल है? दोनों ही प्रोफेशनल है। जो गीता है उनका एक अलग और है, वो मतलब थोड़ा कूल वाला, रिलैक्सेशन वाला उनका मामला है, वो कूल रह के भी सब कुछ करते हैं। एंड सपना मैम का एक अलग और है, उनके लिए उनके साथ एक अलग ही मज़ा आता है, उनको कुछ बताना ही नहीं पड़ता, वो ऑलमोस्ट बहुत एक्सपीरियंस हमसे तो बहुत सीनियर है, उन्हें जो भी बताएं वो वन टेक में मिलता है, हम बहुत चिल करके शूट करते हैं। ओके। एंड आपके बहुत सारे गाने अभी रिसेंटली गोइंग रियली वेरी गुड, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। एंड आई विश कि आपका कामनी जो ये सॉन्ग है ये आपको बहुत सारा पैसा कमा कर दे। बिल्कुल, वो होगा। थैंक यू सो मच। हरियाणा में जब भी लिरिसिस्ट का नाम आता है तो वन ऑफ द बेस्ट लिरिसिस्ट जो हैं वो हैं अमीन परोड़ी। तो इनसे हम कुछ बातें करते हैं, पहली बार इनसे मेरी मुलाकात हो रही है। अमीन, इट्स रियली ऑनर्ड, हरियाणा बीट्स बहुत बहुत स्वागत करता है आपका। वेलकम। और अमीन परोड़ी नहीं, अमीन ब्रॉडी है, ब्रॉडी, बी ए आर ओ डी आई, चलो ब्रॉडी है जी। और ये नाम में थोड़ा कन्फ्यूजन रह जाता है यार, है ना? तो ये होता ही ऐसा यार, ऐसे कई बार हो जाता है, क्योंकि गाँव का नाम है। कहाँ है आपका गाँव? जींद। जींद डिस्ट्रिक्ट में ये गांव है। एंड चलिए, आपके गाने जो हैं बहुत सुपरहिट हुए हैं, रोक दे मित्र, नीला फोर्ड, है ना? ये जो नाम है, मुझे ये नहीं समझ आता ये नाम आप कहाँ से लेकर आते हो? बस रोक दे मित्र कंटेंट था उस टाइम पे, एक वीडियो वायरल हुआ। एक वीडियो वायरल हुआ था, एक बच्चा झूले ले रहा था ना उस पे, तो उस पे आपने गाना बना दिया। बस वो सिंगिंग भी मैंने की, नीला फोर्ड भी ऐसे ही कंटेंट था, वो भी सिंगिंग मैंने की, तो वो बस कंटेंट होते हैं, मौके की बात होती है। हरियाणा में अभी देखा जा रहा है कि जितने भी लिरिसिस्ट हैं जो गाने लिख रहे हैं वो गायकी में भी उतर रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये राय ऐसी है सर, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती, जैसे मैंने गाना पहले स्टार्ट किया था, ऐसा तो नहीं होता आप शर्त रख दो भाई लिखूंगा मैं और गाऊंगा भी मैं? शर्तें नहीं चलती ना कभी भी। अच्छा। अगर अच्छा रिजल्ट लेके आना तो शर्तें नहीं चलती, बट ऐसा होता है काफ़ी चीज़ें ऐसी, जैसे मैंने सिंगिंग पहले स्टार्ट की थी सीखना, तो लिखना फिर वो पिक कर गए वे लिखे हुए सॉन्ग, तो फिर अब कर रहे हैं सिंगिंग का। चलिए, आपने ये गाना लिखा, बहुत खूबसूरत सा गाना है, और इस गाने के बारे में कहा जा रहा है कि इट वुड बी अ वेरी गुड हिट, और आप क्या कहेंगे, ये गाना क्या सोच कर लिखा था, कोई ऐसा वाक्य जो आपको लगा कि यार अचानक रात को बैठा सुबह गाना लिख दिया मैंने? नहीं, वो तो होता है, बट हाँ इतना है कि भाई मैं कभी चीज़ें फिक्स करके नहीं लिख पाता, एक मूड होता है, एक मज़ा होता है, बस उस मज़े की देन काम ही नहीं है। कामिनी नाम भी थोड़ा ऐसा है। और चलिए एक चीज़ और मुझे बताएं कि जो भी मींस हरियाणा इंडस्ट्री की अगर हम ग्लांस डालें तो ज़्यादातर यहाँ गाने जो हैं वो फोक बेस्ड हैं, और आपके कुछ गाने हैं जो थोड़ा अपवाद हैं और जो अच्छे चले हैं, ऐसा क्यों नहीं है कि लोग मींस ज़्यादा उस तरफ के भी गाने बनाएं, यानी कि आउट ऑफ द हाउस गाने बनाएं, जैसे कि आपने रोक द मित्र बनाया, नीला फोर्ड बनाया, लेकिन लोग ज़्यादा जो है वो प्रेफर कर रहे हैं कि फोक पे ही कंसंट्रेट करें? सर वो लोगों के लिए भी बोल सकता है, बेसिकली मैंने भी ऐसा ही बताया था, पता है सर चीज़ें ऐसी होती हैं, अमीन बड़ौदी को किसी ने सुना ही नहीं है, अमीन बड़ौदी को अपने हिसाब से देखा गया, अमीन बड़ौदी वो है ही नहीं शायद, वो क्या पता अमीन बड़ौदी किताबों के अंदर हो, तो ज़रूरी नहीं होता, कुछ चीज़ें माहौल होती हैं। जैसे आपके पर्सनल कौन से गाने आपको अच्छे लगते हैं, मीन्स किस तरह के गाने लिखना आपको पसंद है? सर मैं आया ही नहीं, जो मैं हूँ तो मैं आया ही नहीं। अच्छा, अभी आए नहीं, चलिए अभी आना बाकी है, अभी जो इनके हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई विश आपका गाना जो है वो बहुत बड़ा हिट। थैंक यू। नाउ विल हैव म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ द कामिनी सॉन्ग पारस हमारे साथ हैं, छोटा सा लड़का। पारस यार, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्या कौन सी क्लास में? बीए फर्स्ट ईयर। एमबीए? एमबीए। ये अब कौन सा कोर्स आ गया? मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट, ओके, यहीं पर हो रहा है?
हरियाणा में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। चलिए चलिए, अब ये गाने का म्यूजिक आपने दिया, इससे पहले किसी गाने का म्यूजिक दिया आपने? हाँ जी, काफी इससे पहले भी काफी इसका म्यूजिक दिया। आपका जो फेवरेट और अच्छा बहुत बड़ा गाना हिट जो हुआ था, उस गाने का नाम बताएं। बहुत बड़ा हिट तो था, अजय हुड्डा जी के साथ था कमर तेरी लेफ्ट राइट। अच्छा, कमर तेरी लेफ्ट राइट आपने किया था? यार आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी यार, इतना बड़ा डायरेक्टर है हमारे साथ, इन्होंने यार इतना बड़ा गाना किया यार, कमर तेरी लेफ्ट राइट हाले। नीला फोर्ट भी आपने किया था आई थिंक, है ना? अच्छा यार, बड़े गाने किए यार तुमने तो यार, बस दिखने में तुम कमजोर से लग रहे हो। एक दरोगा जी भी आया था पहले से। तो चलिए, ये म्यूजिक का शौक कैसे लगा आपका? एज अ यू आर वेरी यंग, तो कैसे जर्नी स्टार्ट हुई? म्यूज़िक का शौक़ तो बचपन से ही था, पापा भी गाते हैं तो म्यूज़िकल फैमिली ही लगा लो, तो म्यूज़िक का शौक़ बचपन से था। स्टूडियो था घर का, तो वहीं पे रहते रहते ही सीख गए। इतनी छोटी उम्र में इतना थोड़ा क्लोज हो जाता ना इंसान भी, चीज़ें अच्छे से मिल जाती हैं तो दिमाग थोड़ा सा हो जाता है यार, लड़कियाँ लड़कियाँ टेंशन देने लग जाती है ना, भी लड़के को काम मिल रहा है, लड़के के इतने गाने आ रहे हैं, तो ऐसा आपके साथ कभी हुआ कि टेंशन मिलती है तो यार थोड़ा सा हो ही जाता है ना, तो आपके साथ हुआ कभी ऐसा? मैं वैसे फ़ोन वगैरह से और इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहता हूँ। गाने बनाते हो तो मैं म्यूज़िक पे ज़्यादा कंसंट्रेशन करें ताकि। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इट्स रियली ऑनर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू। तो चलिए, अब हम हैं जिन्होंने ये गाना गाया है, कामनी गाना, एंड वेरी सुपर वॉइस, एंड शी साउंड सो एंजेलिक, मीनाक्षी पंचाल मैम हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच मैम विद अस। और मैम, बहुत गाने गाए हैं आपने, आपको देखते हुए कहीं कहीं हम जब ग्रो कर रहे थे तो देखते हुए कर रहे थे कि मैम के इस तरह से गाने आते थे, तो बीच में एक छोटा सा ब्रेक कैसा? ब्रेक तो देखिए, मतलब जैसे हमारी एज होती है, जैसे पहले स्कूल में थी, फिर शादी हो गई, शादी के बाद थोड़ा फैमिली को भी, बच्चे तो। अच्छा, यानी कि फैमिली, ये हरियाणा वालों की ये खास बात है, देख लो भाई, पहले क्या, फिर फैमिली फर्स्ट है ना, तो फैमिली पे कंसंट्रेट किया मैम ने, तो फिर उसके बाद क्या हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट किया कि चलो यार अब कर लो यार गाना? बिल्कुल, वो मेरे हस्बैंड भी खुद एक म्यूजिक डायरेक्टर है, मैं कभी नाम से हमारा अपना स्टूडियो है, तो उन्होंने मतलब फैमिली ही पूरी मेरी सपोर्टिव है, ससुराल वाले और माइका जो भाई पापा मेरे, तो बहुत मतलब कि कभी नहीं रोका कुछ भी काम कर। कामनी गाना कैसे हाथ लगा? कामनी गाना ने मुझे खुद ढूंढा है, मैंने नहीं ढूंढा कामनी। वो कहते हैं अक्सर चीज़ें हमें ढूंढ लेती हैं, हम चीज़ों के पास नहीं ढूंढ पाते हैं ना, तो ये अक्सर एक एडेज भी है। जी बिल्कुल, आमीन ने मुझे बताया था कि कामनी हम गाना करने वाले हैं, तो जैसे उसने बताया मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर गाना जब तैयार हुआ उसके बाद उसने बताया कि सपना इसको कर रहे हैं, तो मुझे और ज़्यादा खुशी हुई। आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई? ओके, प्रेजेंट टाइम में कोई ऐसा सिंगर जो आपको लगता है कि यार ये बंदा या बंदी बहुत अच्छा गा रही है, ये लड़की बहुत अच्छा गा रही है? अब मतलब हरियाणा में सारे ही सिंगर बहुत सुनी हैं। आपको लगता हो यार ये गाना भी मैं कर सकती थी, ये थोड़ा अच्छा भी मैं कर सकती थी, या फिर ये कहें कि आपको इम्प्रेस हुए हो आप किसी गाने को सुनकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि ये गाना मैं कर सकती थी, लेकिन इम्प्रेस होता ना बंदा कि यार ये गाना अच्छा था। गाने मुझे, मैं बता रही हूँ कि बहुत ही अच्छे लगते हैं, जैसे रुचिका, रेणुका, मनीषा, ये बहुत अच्छा गाती हैं, और मेल सिंगर्स में यूके हरियाणवी, सोनवीर, और भी यहाँ पे कई सिंगर्स, तो मतलब अच्छा गा रहे हैं। चलिए, विल हैव अ शॉर्ट टाइम ऑफ स्पेन ऑन, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा, एंड आई विश कि आपका जो गाना है सुपर डुपर हिट हो, एंड आप फिर हमारे को मिलें किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे अच्छे गानों के साथ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।